हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। एक्सेस में खास क्या है दिखाइए, दिखाता हूं आपको। देखिए यहां पर प्राइस लिखी हुई है, ठीक है। तो इसमें हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बहुत ही अच्छा तरीका है एग्रीगेट फंक्शन यूज करने का। एग्रीगेट फंक्शन आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि जिसको भी टोटल करना हुआ, काउंट करना हुआ, आप आसानी के साथ काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके ये देखना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट की कुल प्राइस कितनी हुई, यानी टोटल परचेजिंग जो हुई, इन सबको जोड़ करके यहां पर टोटल करना चाहते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो यहां पर देखिए, ये जो टोटल दिख रहा है ना, इस टोटल पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर नीचे आपको टोटल नजर आ जाता है। तो यहां पर आइए, और यहां पर चूंकि एड करना है तो सम का फॉर्मूला ही यूज करेंगे। तो यहां सम का फॉर्मूला लगाइए, ये टोटल कर देता है, ठीक है। अब यहां पर हमको ये देखना है कि क्वांटिटी कितनी रही, तो क्वांटिटी वाले पे आइए और यहां पर इसको सम कर लीजिए, यानी टोटल कर लीजिए, यानी क्वांटिटी 361.5 है, ठीक है। अगर प्राइस देखना चाहते हैं तो प्राइस भी देख सकते हैं, तो यहां से जाकर के प्राइस का भी सम आप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे। अब मान लीजिए कि आपको इसमें ये टोटल नहीं करना था, काउंट करना था कि ये कितने प्रोडक्ट हैं, यानी हर प्रोडक्ट की अपनी अलग कॉस्ट होगी, तो प्रोडक्ट केवल काउंट करना था कितने प्रोडक्ट हुए, तो वो भी आप काउंट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर काउंट लगाते हैं तो ये 6 प्रोडक्ट आपको दिखा रहा है, तो काउंट करिए 1 2 3, हालांकि लिखा भी हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके से एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आसान तरीका है एग्रीगेट फंक्शन को यूज करने का। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि एग्रीगेट फंक्शन को कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।